पिलानी में वार्ड नंबर 30 लोहारू बाईपास पर बीती रात समाज में बदलाव करने की पहल करते हुए पवन चौहान ने अपनी चचेरी बहन के विवाह से पूर्व बग्गी पर बैठाकर पिंडोरी निकाली। पवन चौहान और उनकी पत्नी सविता चौहान ने बताया कि बेटा बेटी में भेदभाव को मिटाने का संदेश देने के लिए ऐसी पहल की गई है। श्रीचंद चौहान की बेटी नीलम चौहान का विवाह 28 नवंबर को है। इसमें पूर्व गाजे बाजे के साथ पिंडोरी निकाली गई है। इसमें समाज में नया संदेश देने की पहल पवन व सविता चौहान ने की है। वनराज इंडियन कंपनी पिलानी व हलवान हॉस्पिटल पिलानी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान एमके साबू कॉलेज पिलानी, चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा, श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ागांव, आईटीआई कॉलेज खेतड़ी, इंद्रमणि कॉलेज पिलानी व हलवान हॉस्पिटल निदेशक सुमवीर कुंडू और डॉक्टर संदीप दहिया, आशीष हुड्डा व जेसीओ राहुल सिंह, सुनील कुमार आदि ने रक्तदान किया। शिविर में लगभग 230 यूनिट रक्तदान हुआ। वहीं कल राधा कृष्णा बिड़ला विद्यालय सभागार में प्राचार्य आदित्य सरावगी व संसाधन व्यक्तियों राजन कुमार शर्मा एवं चेरी गोयल के सानिध्य में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न विद्यालयों से प्राचार्य, उपप्राचार्य व शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर तमाली भट्टाचार्य रही। इस कार्यक्रम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर चर्चा की गई। नमस्कार, आज हमारे विद्यालय राधा कृष्ण बिरला स्कूल में CBC द्वारा एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका शीर्षक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस सेमिनार में पिलानी और पिलानी के आसपास के 40 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया और आज के हमारे रिसोर्स पर्सन जो इस सेमिनार के थे वो श्री राजन कुमार जी शर्मा बिरला स्कूल पिलानी एवं श्रीमती चेरी गोयल जो कि MGD जयपुर से आई थी। उन्होंने अपने पूरे ट्रेनिंग सेशन में NEP क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें बताई गई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन श्री हर्षवर्धन जी बिरला का, हमारे ट्रस्टीज़ का, मेरे पूरे स्टाफ का और बच्चों का, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया। धन्यवाद।